नमस्कारम टू ऑल, मैं आशीष सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं वास्तु विकल्प के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखने आए हैं 1800 स्क्वायर फीट का 3 BHK न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, जिसमें इस वक्त ओनर बहुत ही शानदार खूबसूरत इंटीरियर वर्क करवा रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फ्लैट का मेन एंट्रेंस गेट डिजाइनर लाइट्स और मॉस्किटो नेट के साथ, और इसकी वुडन पैनलिंग भी आप चारों तरफ देखेंगे एंट्रेंस की, तो बहुत ही अच्छी करवाई है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का सनमाइका लगवाया है इसमें ओनर ने, और इवन एंट्रेंस गेट की भी आप देखिए, गेट का वुडन क्वालिटी और माइका दोनों बदलवा दिया है। तो अब हम चलते हैं फ्लैट के अंदर, और अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपको बहुत ही ग्रैंड ड्राइंग डाइनिंग का एरिया पड़ेगा। सामने आप देख रहे हैं टीवी यूनिट वॉल दिख रही है ड्राइंग एरिया की, और एक बार फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको, पूरा ड्राइंग प्लस डाइनिंग का या लिविंग, जो भी आप इसे बोलना चाहें। बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग की है, LED पैनल सब फॉल सीलिंग के अंदर फिटेड हैं। क्योंकि फर्नीचर वर्क का काम अभी चल ही रहा है तो सामान थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है, आप उसे वीडियो में इग्नोर करें। अब मैं आपको दूसरे एंगल से ड्राइंग स्पेसिफिक एरिया दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड में आपका एल शेप में सोफा आ जाएगा, सामने आपकी टीवी यूनिट वॉल दिख रही है। फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ ड्राइंग एरिया का एक बार। वुडन वर्क में अगर आप ध्यान देंगे तो लाइट का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है ओनर ने इसमें, और ये आपका हो जाएगा लिविंग स्पेस। यहाँ पर शेल्फ वगैरह बना के दिए हैं आपका सामान वगैरह रखने के लिए। सामने आप देख रहे हैं अच्छी बड़ी बालकनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम रुक कर लेते हैं इस मंदिर की तरफ। घर में मंदिर की स्पेस होना बहुत ज़रूरी है और ओनर ने इस पर स्पेसिफिक ध्यान दिया है। मंदिर में आपको दिखा देता हूँ, अच्छा डिज़ाइन करवाया है, स्टेप्स में बनवाया है जिससे कि आपके भगवान रखने में आपको कोई तकलीफ ना हो। नीचे अच्छे बड़े ड्रॉर्स दिए हैं पूजा सामग्री के लिए, और ऊपर 3 स्टेप हैं जिससे कि आपके सारे भगवान इसमें आराम से आ सकें। अब मैं लास्ट टाइम आपको एक बार पूरे हॉल का स्पेस दिखा देता हूँ, और यहाँ से हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ हमारा गेस्ट बेडरूम और फ्लैट का कॉमन वॉशरूम आएगा। तो इसका भी एंट्रेंस आप देखिए कितना सुंदर बनवाया है लाइट्स के साथ, और सामने हमारा कॉमन वॉशरूम एरिया दिख रहा है। कॉमन वॉशरूम में हम चलते हैं पहले, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वुडन वर्क काफ़ी हैवी करवा रहे हैं ओनर इसमें। इवन बाथरूम में भी आप देखेंगे तो पूरा वुडन वर्क कम्प्लीट हो चुका है, जिससे कि स्टोरेज के लिए अच्छी खासी स्पेस निकलवाई है। तो ये मैं आपको स्पेस एक बार दिखा देता हूँ। कंप्लीट वुडन वर्क विथ मिरर आपको तीनों बाथरूम में मिलेगा, इवन गीजर भी तीनों बाथरूम में फिटेड है। और अब सिविल स्पेसिफिक बात करें तो वॉल टाइल्स आप देखिए, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की वॉल टाइल्स लगाई हैं, सेरा के सारे सैनिटरी फिटिंग्स हैं। और इसके बाहर निकलेंगे तो छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस बेसिन के हिसाब से यहाँ पर भी दिया है। इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ शेल्फ ऑलरेडी ओनर ने बनवा दिए हैं। ये भी मैं आपको एक बार ओपन करके पास से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत मन से पैसा लगा के ओनर ने काम करवाया इसके वुडन वर्क पे। और अब इसके सामने पड़ेगा हमारे फ्लैट का गेस्ट बेडरूम यानी फर्स्ट बेडरूम। फर्नीचर वर्क के साथ साथ मेरे ख्याल से पुट्टी का काम भी इसमें अभी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रहा है फ्लैट, पर उस चीज़ का हम नज़रअंदाज करके एरिया पे ध्यान दे सकते हैं। सामने अच्छा वुडन वर्क अलमारी बना हुआ है, फॉल सीलिंग डिजाइनर है इसमें भी, LED पैनल फॉल सीलिंग के अंदर ही फिटेड है। चारों तरफ से मैं आपको बेडरूम का व्यू दिखा देता हूँ। एक अच्छी बड़ी विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए, विंडो से बाहर का व्यू देख लेते हैं हम एक बार। काफी अच्छा ओपन स्पेस है चारों तरफ, और इसी के साइड में आएगा हमारा अलमेरा का स्पेस। तो ये पूरा फ्लोर टू रूफ तक कवर किया है ओनर ने। इसका अंदर का स्टोरेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काम चलाऊ काम तो कुछ भी ओनर ने किया नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और अच्छे माइका का यूज किया है, और खुद के रहने के हिसाब से बनाया है ऐसा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम गेस्ट बेडरूम कवर। और अब हम यहाँ से बाहर चलेंगे तो पहले आएगा हमारा ड्राइंग एरिया, और यहाँ से स्ट्रेट आप ध्यान दीजिए तो वहाँ हमारा फ्लैट के बाकी दोनों बेडरूम, दोनों बाथरूम और किचन का पोर्शन आएगा। तो अब हम फ्लैट के सेकेंड हाफ को कवर करेंगे, और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारा फ्लैट का सेकेंड बेडरूम। लगभग 12x13 का ये बेडरूम साइज है, और हर बेडरूम की तरह इसमें भी फॉल सीलिंग की हुई है, LED पैनल सब फॉल सीलिंग के अंदर है। ओपन लाइट ट्यूबलाइट वाला कॉन्सेप्ट जो था वो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस फ्लैट में। अच्छी बड़ी विंडो दिख रही है वेंटिलेशन के लिए, अलमेरा बना हुआ है पूरा, और अलमेरा का अंदर से स्टोरेज स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यूटिलिटीज की समझ में आ जाए। साइड वॉल पे हमारी एक अच्छी बड़ी विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए। ये आपके ब्लॉक्स के बीच में जो ओपन टू स्काई स्पेस होता है वो वाला एरिया है, और यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने आप ध्यान देंगे तो आउटडोर लगा रखा है अपने AC का। तो ये हो गया हमारे फ्लैट का सेकेंड बेडरूम, और इसके जस्ट सामने आएगा हमारा किचन का स्पेस। तो अब बारी आती है किचन स्पेस देखने की, और किचन के एरिया में तो बहुत ही हैवी वुडन वर्क और इंटीरियर का काम करवाया है ओनर ने, तो आपको बहुत इत्मीनान से आराम से समय लेके देखना पड़ेगा ये पूरा।
किचन की दोनों वॉल पे और ऊपर नीचे चारों तरफ इसमें शेल्फ बने हुए हैं, चिमनी लगी हुई है, तो स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी खासी स्पेस निकल आई है। आपको कुछ भी सामान ओपन में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक विंडो दिख रही है वेंटिलेशन के लिए, जो ड्रॉइंग एरिया वाली बालकनी में ओपन होती है। इसके बैक साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पेस छोड़ी गई है फ्रिज के लिए। यहाँ पर आराम से आपका एक एक्सेल साइज का फ्रिज आ जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों तरफ शेल्फ बने हुए हैं और प्लेटफॉर्म भी ऑयल शेप में दिया है। यहाँ पर सामने भी एक आपको अच्छी बड़ी विंडो दिख रही है वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सनलाइट अच्छी रहती है किचन में दिन भर। ये हमारी बालकनी का स्पेस है। आजकल इतनी बड़ी बालकनी को टेरेस पोर्शन बोलते हैं और पूरा कवर्ड है ये, तो ये अच्छी खासी आपकी सिटिंग स्पेस बन सकती है। प्लस किचन के साथ अटैच है तो वॉश एरिया में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सामने ड्राइंग एरिया की विंडो और गेट दिख रहा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको बालकनी से व्यू दिखा देता हूँ। साफ सुंदर स्वच्छ वातावरण का दृश्य है चारों तरफ, और यहाँ से मैं आपको एक बार ड्राइंग एरिया का व्यू दिखा देता हूँ जो हमने पहले देखा था। साइड में मंदिर का स्पेस दिख रहा है। तो बेसिकली ये बालकनी हमारी किचन प्लस ड्राइंग एरिया दोनों से अटैच हो गई। और अब वापस किचन के अंदर चलते हैं और दूसरे एंगल से मैं आपको पूरा किचन दिखा देता हूँ। किचन की दोनों वॉल पे प्लेटफॉर्म है, एक स्ट्रेट शेप में है, एक एल शेप में है। एल शेप के प्लेटफॉर्म में ये आपको दो बेसिन के स्पेस दिख रहे हैं अलग अलग, यूटिलिटी के हिसाब से ओनर ने आपको ये एक्स्ट्रा दिया है। और पूरा शेल्फ बना हुआ है एल शेप में प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग के साथ और लाइटिंग के साथ दिया है। ये मैं आपको इसमें फ्लोर स्पेस दिखा देता हूँ, आपके मूवमेंट लिए आपको कितना स्पेस मिलता है। दोनों तरफ आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और इसी के साथ हमारा किचन स्पेस हो गया पूरा। अब हम यहाँ से बाहर चलेंगे और फ्लैट के बाकी के एरिया को कवर करेंगे। तो यहाँ से राइट टर्न लेते ही आप देखेंगे आपको एक छोटी सी गली दिख रही है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारा सेकंड बाथरूम आएगा, सामने आपको मास्टर बेडरूम दिख रहा है। तो पहले हम बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम की स्पेस बहुत अच्छी है। जो फर्स्ट बाथरूम आपने देखा था गेस्ट बाथरूम, वो भी अच्छा खासा बड़ा था। इसमें भी बहुत अच्छी स्पेस दी है। वॉल टाइल्स बहुत सिंपल सोबर लगाई हैं। वुडन वर्क इसमें भी वॉश बेसिन के ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रखा है स्टोरेज के हिसाब से विथ मिरर वर्क। तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस फ्लैट के हर एक एरिया का वुडन वर्क देख के मुझे तो मजा ही आ गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये वॉश बेसिन के नीचे का वुडन वर्क दिख रहा है स्टोरेज स्पेस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और यदि आप या आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान में कोई मकान ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टी सर्च चल रही है, तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने मास्टर बेडरूम में। करीब 15x17 का ये मास्टर बेडरूम है। अच्छी बड़ी विंडो गेट दिख रहे हैं आपको, साथ में अटैच बालकनी है बहुत बड़ी। ये टीवी यूनिट वॉल दिख रही है, और सामने आप देख रहे हैं एक अच्छी बड़ी वार्डरोब फ्लोर टू रूफ तक। तो इसका अंदर का स्टोरेज स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको आपकी यूटिलिटी समझ में आ जाए। वार्डरोब के अंदर ही लाइट भी लगी हुई है, LED पैनल्स फिट हैं इसके अंदर। और वुडन वर्क अच्छा लगे उसके साथ साथ उसका प्रॉपर यूसेज भी हो, इस तरीके से ओनर ने इसको डिजाइन करवाया है। टीवी यूनिट पैनल का डिजाइन प्लस उसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। और एक बार दूसरे एंगल से मैं आपको फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ मास्टर बेडरूम का, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपका स्पेस भी आपको प्रॉपरली समझ में आए। अच्छा, इस मास्टर बेडरूम में आपको बालकनी के साथ साथ बाथरूम मिल रहा है और ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है। तो अब ड्रेसिंग एरिया में बना हुआ वुडन वर्क वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वुडन वर्क में स्टोरेज स्पेस तो इतनी दी है कि आपको ओपन में कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फ्लैट में। सामने आपको एक अच्छा बड़ा मिरर दिख रहा है, और साइड में 3-door वार्डरोब्स बनी हुई हैं पूरी फ्लोर टू रूफ तक। ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, तो आपका मेरे ख्याल से पूरा सामान इसमें आ ही जाएगा लगभग। और अब मैं आपको बाथरूम की स्पेस दिखा देता हूँ। बाथरूम में भी आप देखेंगे तो इतना हैवी वुडन वर्क किया हुआ है कि मैं तो बोल बोल के भी थक गया बार बार। और डिजाइनर है साथ में विथ मिरर वर्क। तो वॉल टाइल्स बहुत ही अच्छी लगी हुई है, व्हाइट कलर की ब्राइटनेस है इनमें, इस कारण ओपननेस दिख रही है बाथरूम में। तो ये आपके बाथरूम का वेट पोर्शन हो गया, और ड्राई पोर्शन में आप देख लीजिए पूरा वुडन वर्क किया हुआ है, स्टोरेज स्पेस दी है, ड्रेसिंग भी बनी हुई है मिरर के साथ। दोस्तों इसी तरह की और नई नई प्रॉपर्टी देखने के लिए एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फाइनली हम फिर से आ गए हैं अपने मास्टर बेडरूम में। फ्लोर टू रूफ का स्पेस और चारों तरफ से एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको जाने से पहले, जिससे कि आपको एरिया में कोई कंफ्यूजन ना हो और विजिट करने से पहले आपको पूरी तरीके से सही जानकारी हो इस प्रॉपर्टी की। होशंगाबाद रोड के समीप कवर्ड कैंपस में ये प्रीमियम प्रॉपर्टी इस वक्त अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे कॉल करें साइट विजिट के लिए। और मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी में आपको दिखा देता हूँ। बालकनी का एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, आप अपना सिटिंग लॉन्च बना सकते हैं इसमें, और ओपननेस है सामने।
और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इसकी बालकनी से सामने का व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बिल्डर अगर बालकनी दे भी दें और सामने अगर ओपन स्पेस ना हो तो बालकनी का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अब मैं आशीष सिंह आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, प्रॉपर्टी की नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।